नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर से। एक आतंकी ने एक महिला को रिंग देकर प्रपोज किया। ये मामला इसराइल से सामने आया, जहां पर जो हमास की कैद में ये महिला रही थी, उसने खुलासा किया है कि हमास के एक लड़ाके ने उसे प्रपोज किया था, रिंग देकर प्रपोज किया था। ये मामला सामने आया, लेकिन उसे वहाँ से रिहा कर लिया गया था। महिला अपने घर वापस पहुँच चुकी थी, उसके बाद उसने ये पूरा खुलासा किया है। 18 साल की लड़की नोगा विज, जिसका नाम है, उसे पिछले साल गाज़ा में 50 दिन हमास की कैद में रहना पड़ा था। बाद में उसे एक समझौते के तहत रिहा कर दिया गया। नोगा विज ने दावा किया है कि बंधक बनाने वालों में से एक ने उसे रिंग देकर प्रपोज किया था और फिर उससे पूछा भी कि क्या वो हमेशा गाज़ा में रहेगी और उसके बच्चों को पैदा करेगी। नोगा ने बताया कि उसने शादी के लिए उसका हाथ मांगने के लिए उसको एक बिछड़ी हुई माँ से भी मिलवाया, ताकि वो परिवार से इंट्रोड्यूस करा सके। लेकिन उसके बाद जब ये पूरा मामला हुआ, तो इस लड़की को वापस अपने घर लाया गया, जिसके बाद इसने खुलासा किया है कि इसे एक आतंकी ने, हमास के लड़ाके ने, शादी के लिए प्रपोज किया था। और अगली खबर अमेरिका से सामने आई है, जहां पर उत्तरी कैरोलिना में 4 पुलिस अधिकारियों को गोली से मार दिया गया। ये करने वाले कोई और नहीं बल्कि वांटेड बदमाश थे, जिनके पास बंदूकें थीं, जिसके तहत ये पुलिस अधिकारी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी वहां से गोलीबारी की, जिसमें इन 4 पुलिस कर्मियों की मौत हो जाती है। मामला सामने आया है, 4 अन्य अधिकारी भी इसमें घायल हो गए। ये सभी जो लड़के थे, इनके पास बंदूक थी, बंदूक रखने के आरोप में ये वांटेड थे, और एक अपराधी का वारंट लेकर पुलिस अधिकारी एक घर में गए थे, तभी बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 4 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई, तो वहीं 4 इसमें घायल हुए। ये अमेरिका से मामला सामने आया, जहां पर पुलिस वालों पर गोली चलाई गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। और अगली खबर कनाडा से आई है, जहां पर खालसा दिवस मनाने के अवसर पर, यानी कि 18 अप्रैल को ये पर्व मनाया गया था कनाडा में, जहां पर लोगों को वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संबोधन किया उनसे बातचीत के लिए। लेकिन उस दौरान खालिस्तान के समर्थन में वहां पर नारे लगाए गए। ये पूरा तमाम वीडियो सामने आया है, जिसमें भारत सरकार ने इस पर नाराज़गी जताते हुए कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर को विदेश मंत्रालय में तलब करके नाराज़गी जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए, इस तरह के कार्यक्रम को बिना रोक टोक के करना चिंताजनक है। कनाडा में एक बार फिर अलगाववाद, उग्रवाद और हिंसा को राजनीतिक जगह दी गई है। ये गतिविधियां भारत कनाडा के संबंधों को प्रभावित करती हैं, साथ ही कनाडा में भारतीयों के साथ हिंसा के माहौल को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लोगों का जब संबोधन किया, उस दौरान ये खालिस्तानी के समर्थन में नारे लगाए गए, जिसके बाद भारत की तरफ से इस पूरे मसले पर नाराजगी जताई गई है। और अगली खबर इसराइल और हमास की जंग के बीच 6 महीने बाद अब 24 घंटे के अंदर दूसरा युद्ध विराम हो सकता है। हमास के नेता ने बंदूकों की रिहाई पर सहमति जताई है, रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने कहा कि उन्हें मिस्र और इसराइल के प्रपोजल से किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। इसराइल हमास से 130 बंदकों में से 40 को रिहा करने की मांग कर रहा है और वो इसके बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा कर देगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी कहा कि हमास को जल्द इस ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए, जहां पर हमास के नेता याया सिनवार के मुताबिक हमास ने इजरायली बंदकों को छोड़ने के समझौते पर अपनी सहमति जताई है। और अगली खबर अमेरिका के आयोवा में टोर्नेडो की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं, कई घर इसमें तबाह हो चले हैं। 35 से ज़्यादा बार ये टोर्नेडो आया है। रिपोर्ट के मुताबिक तूफान की वजह से अब तक 4 लोगों की मौत हुई, वहीं 100 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हैं। टोर्नेडो की वजह से अकेले सल्फर शहर में 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। यहाँ ज़्यादातर इमारतें नष्ट हो चुकी हैं और अब तक 5,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। आयोवा और ओक्लाहोमा में तूफान से कई घर तबाह हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार रविवार के बीच वहां एक साथ 35 टोर्नेडो रिकॉर्ड किए गए, वहीं शुक्रवार को आंकड़ा 70 के पार था। अमेरिका के आयोवा और ओक्लाहोमा राज्यों में पिछले दिनों में 35 से ज़्यादा टोर्नेडो आए, जिसकी वजह से कई लोग बेघर हो गए हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।